हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, चलिए बाहर निकलते हैं। एंड काफ़ी अच्छा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर। एंड अभी हम हैं महाबलेश्वर के एल्फिस्टन पॉइंट में। सो लेट्स गो, अभी हम एल्फिस्टन पॉइंट घूमने वाले हैं और ये है पार्किंग एरिया। सो वो है रास्ता। सो चलिए चलते हैं गाइस। एंड गाइस, ये है पार्किंग एरिया। यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्पेसियस पार्किंग एरिया है। एंड सी है ना, यहाँ पे स्टॉल लगी है चाय की, यहाँ पे चाय पी सकते हैं चाय के दीवानों के लिए। एंड ये भाई साहब भी जा रहे हैं। सो चलिए चलते हैं आगे। पॉइंट जो है पास में ही है, सामने में, और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। कुछ दुकानें अभी खुली नहीं है, खुल रही है अभी, मॉर्निंग के टाइम हम अभी आए हैं। सो और यहाँ पर बोर्ड है, देख सकते हैं यहाँ पर है ना, पॉइंट्स के बारे में लिखा गया है। सो पढ़ते हैं यहाँ पर है ना, तो एल्फिस्टन पॉइंट महाबलेश्वर है ना। सो लेट्स गो, यहाँ पे बिस्लरी वगैरह। चलिए नीचे उतरते हैं सीढ़ियों से। गाइस, ये जो है बेस्ट सीज़न है महाबलेश्वर एक्सप्लोर करने के लिए, विंटर एंड मॉनसून। मॉनसून का भी सीज़न काफ़ी खूबसूरत रहता है, मतलब यहाँ घूमने के लिए महाबलेश्वर को। बट यहाँ वहाँ उस टाइम जब आओगे मानसून में, तो यहाँ फॉग होता है बहुत कुछ, तो थोड़ा जो व्यू है वो देखने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बट विंटर में आओगे तो आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। सो अभी हम जो है विंटर सीजन में आए हुए हैं एंड अभी मॉर्निंग का टाइम है। सो देखिए, एल्फिस्टन पॉइंट डिस्कवर्ड इन 1830 बाई जेम्स मैरी। सो ये जो पॉइंट्स हैं वो जेम्स मैरी के द्वारा खोजा गया था 1830, मतलब 1830 में। सो अभी हम ये जो पॉइंट है उसको देखेंगे। सो अभी हम बहुत ही सुंदर पैनोरमिक व्यू ऑफ लस ग्रीन वैली देखने वाले हैं। सो देखिए गाइस, यहाँ पे है ना काफ़ी खूबसूरत व्यू है, देखिए वाओ अमेजिंग। ब्यूटीफुल, क्या नज़ारे हैं, देखिए गाइस, वादियाँ ही वादियाँ है पूरा, सो ब्यूटीफुल। और वहाँ पे मून दिख रहा है ना। सो नीचे देखिए कितना खाई है, कितना गड्ढा है नीचे देखिए, और हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। सो काफ़ी खूबसूरत पॉइंट है ये गाइस। यहाँ पे हर कोई फोटोग्राफी कर रहा है, देख सकते हैं फ़ोटोज़ वगैरह ले रहा है। काफ़ी खूबसूरत जगह है, अमेजिंग है, एंड बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। हवा इतना चल रहा है कि जो बाल है वो उड़ जा रहे हैं, बार बार जो सेटिंग है वो ख़राब हो जा रही है बाल की। एंड सीधा व्यू काफ़ी खूबसूरत है यार, है ना। सो यहाँ पे ज़रूर आइएगा आप, इफ़ महाबलेश्वर आते हैं तो ये जो पॉइंट्स है वो ज़रूर घूमिएगा। एंड यकीन मानिए बहुत ही खूबसूरत है, आप देख पा रहे होंगे है ना, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कितना खूबसूरत लग रहा है। तो सोचो आप जब रियल में यहाँ पे आओगे तो कितना मज़ा आने वाला है आपको। जो व्यू है गाइस वो यार रियली यार सो अमेजिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, एंड बात ही निराली है इस जगह की। सो चलिए नीचे चलते हैं, इस पार्ट से भी देख लेते हैं। अभी पूरे चारों तरफ से मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाने वाला हूँ। सो देखिए, इधर से भी व्यू काफ़ी खूबसूरत है, चारों तरफ पूरा पहाड़ी पहाड़ है, वादी ही वादी है पूरा, और काफ़ी खूबसूरत व्यू है एंड अमेजिंग है गाइस, है ना। सो सी, और जो हवाएं चल रही है उसकी बात ही निराली है भाई, कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे, वाओ अमेजिंग। और ये जो उड़ रहे हैं ना घास पक्के वाले, वो भी काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। एंड सी सी द व्यू, वाओ अमेजिंग। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से पास से, एंड काफ़ी खूबसूरत है। सो आई होप आपको ये जगह बहुत पसंद आ रहा होगा और आप ज़रूर आना चाहते होंगे वीडियो देखकर। एंड कमेंट में मेरे को बताओ कि जो वीडियो देख रहे हैं वो कौन कौन यहाँ पहले से महाबलेश्वर विजिट कर चुके हैं। एंड सी यार, इतना सुंदर लग रहा है यहाँ की वादियाँ, यहाँ के हर एक पल है ना यादगार होने वाले हैं पूरे। सी हवाएँ चलिए, जो नीचे जो घास है वो कैसे हिल रहे हैं देख सकते हैं आप, कितना खूबसूरत लग रहा है। और अगर आप रियल में देखेंगे ना तो और मज़ा आने वाला है, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत है जगह जो है वो, एंड बहुत ही मज़ेदार प्लेस है ये सीन सी दी है ना। तो यहाँ पे कुछ लोग कचरे फेंक दिए हैं यार, ऐसा नहीं करना चाहिए है ना, इतना अच्छे जगह को ख़राब मत करिए यार,
मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप यहाँ आते हैं तो डस्टबिन है, डस्टबिन में आप कचरे जो है वो फेंक सकते हैं, यहाँ पे मत फेंकिएगा। इसे क्या है कि जो घूमने आते हैं ना उसको जब ये देखते हैं ना तो पसंद नहीं आता, फिर दोबारा वो ऐसा ना हो कि जगह में ऐसे तो कितना भी यहाँ पे हो कर लो दूर दूर तक यहाँ पे अच्छा ही है पूरा, है ना, आने ही वाले हैं सब यहाँ पे, बट कचरा मत फेंको। वाओ अमेजिंग, इट्स सो ब्यूटीफुल। चलिए दिखाते हैं हम आपको। सो गाइस आई होप आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। सो हम जा रहे हैं वापस, एक बार फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ से व्यू काफ़ी खूबसूरत है, अमेजिंग। सो लेट्स गो, हम जा रहे हैं वापस। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। सो मिलते हैं गाइस, बाय बाय।